हेलो क्लास सिक्स बेटा, चैप्टर नंबर फाइव फ्रैक्शंस। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट एट की इस वीडियो में हम अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन, इट मीन्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं उन फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले स्टेप वन क्या है? स्टेप वन में सीधा सीधा आप जो हमारे फ्रैक्शन दिए होंगे उनको दोबारा से लिख लीजिएगा, जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेकर उनको इक्वल कीजिएगा, ठीक है। यानी जो डिनोमिनेटर हमारे पास दे रखे होंगे फ्रैक्शंस के, उन डिनोमिनेटर को हमको सबसे पहले सेम करना है एलसीएम लेकर उनका। तो चलिए उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट की जो प्रोसेस होती है वो करेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं और यहाँ पर थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। फाइंड 5/6 + 3/4, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 6 और 4 का आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे 6 4 हैं। चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर एलसीएम लेकर दिखाया गया है, ये प्रोसेस है। 2 से डिवाइड किया 6 4 को, तो 3 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 × 2 आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। तो आप क्या करने वाले हैं सबसे पहले आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, 5/6 है, तो आप देखिए 6 और 12 में क्या रिलेशन है, यानी 6 का ट्वाइस होता है 12, यानी 6 2 जा, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 10/12। इसी तरह 3/4 को देखिएगा आप, 3/4 में डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 से आप डिवाइड कीजिए किसको, 12 को, और 4 3 12 होते हैं, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इस फ्रैक्शन को, तो आ जाएगा 9/12। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन आ चुके हैं, एक आ चुका है आपके पास 10/12, एक आ चुका है 9/12। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब करना क्या है वो कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ऐड करना है तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इनको कन्वर्ट करके बना लिया था, 10/12 + 9/12 बना लिया। उसके बाद 12 सेम डिनोमिनेटर बन गया, तो 12 नीचे लिख कर आप 10+9 यानी न्यूमरेटर को आप ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 19/12। तो इसको आप क्या लिख देंगे, 17/12, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक अल्टरनेटिव मेथड भी यहाँ पर दे रखा है, सेम वही है, 12 आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और जूम करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए एलसीएम 12 आ जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम 12 आ जाता है। तो डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, 12 लिखने के बाद डिवाइड करेंगे 6 2 जा, तो 5 × 2 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे 4 3 जा, है ना, 12 होते हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 10+9 = 19/12 और 17/12, इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 को देखते हैं, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर आपने चेक किया 8 and 12 का आप क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रोसेस की गई है 8 12 का एलसीएम निकालने की, तो एलसीएम हमारे पास 24 आ जाता है। तो फिर क्या करना है, दोनों को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 7/8 लिखेंगे और आपको 24 बनाना है, 8 3 जा होते हैं 24, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा ये वाला 21/24, ठीक है। इसी तरह 5/12 वाला लिख लीजिएगा, तो 12 2 = 24 होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 10/24, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद सीधा सीधा हमको क्या करना है, 24 डिनोमिनेटर में राइट करके 21 - 10 कर देना है, तो ये आ जाएगा 11/24, ठीक है। तो सेम वही प्रोसीजर है कि आप अगर 24 डायरेक्ट लिख लें तो 8 3 जा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की, माइनस लगाएंगे 12 2 जा, तो 5 की मल्टीप्लाई करें 2 से, और 21 - 10 हो जाएंगे 11/24 है आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या करना है, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज शोन, जैसे आपको यहाँ पर शो किया गया, जैसे आपको यहाँ पर बताया गया, सिंप्लीफाई द आंसर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 8 की ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, 12 की ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, लेफ्ट राइट में इस तरह से। तो यहाँ पर आपको शो किया गया, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे की नीचे जो डिनोमिनेटर है उन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ऊपर ये एडिशन करना है, तो 124 हो जाएगा, नीचे 96 है, ये हो जाएगा। अब आप क्या करें, इसको कट कर लीजिएगा, 4 से कट करेंगे, 4 3 = 4 1 =
और 4 2 4 4 4, ठीक है, तो 31/24 आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से हमारा माइनस का क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन दे रखे हैं 7/8 - 5/12, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो 7 × 12 8 × 5 हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा दोनों के बीच में, और 12 8 होते हैं 96, तो 84 - 40 हो जाएगा, अपॉन 96 हो गया, 44/96, और 4 से कट कर देंगे तो 11/24 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको 7 - 6/11 लिखा है, तो 7 के अपॉन में आप 1 मान लीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर 1 आ जाएगा आपका, 7 की 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 कर दिया आपने, तो 77 - 6/11 71/11 आ गया, और 6 5/11 आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो चलिए बेटा आ जाते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 5H पर। ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको खुद करनी है और अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन इसको राइट कर लेंगे। जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए हैं सभी क्वेश्चंस इसी के बेस हैं। अगर आपने एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझ लिया तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन इसमें ज़रूर बता रहा हूँ, हिंट बता देता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मैसेज कीजिएगा, इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट एज इक्वलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमीटर विद इक्वल टू एल सी डी। एल सी डी मीन्स लीस्ट कॉमन डिनोमीटर। तो आपको करना क्या है, आपको इक्वल एंड करके लिखना है इसको। तो आप क्या करेंगे देख लीजिए, सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, 5 10 का एलसीएम लेना है, तो 5 10 का एलसीएम कितना आता है आपका 10, ठीक है। अब 9/10 तो है, अपॉन में डिनोमीटर में क्या है 10 है, लेकिन 2/5 के जो डिनोमीटर में आपको 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए आपको करना क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। 2/5 को राइट करेंगे, ठीक है, 2/5 राइट कर लिया, और जो हमारा एलसीएम आया था 10, तो 10 को डिवाइड कीजिए, 5 से 10 को डिवाइड किया, 5 2 10, तो ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 4/10। तो आपका आंसर आ जाता है इक्वलेंट लिखने के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 4/10, क्या आ जाता है 4/10 और 9/10, ये आपका आ जाता है आंसर, ठीक है, दोनों इक्वलेंट हो जाएंगे। इसी तरह से आपको जो करना है बी पार्ट करना है, बी पार्ट में भी आपको सेम डिनोमिनेटर राइट करना है, तो यहाँ पर 8 और 12 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, अभी आपने निकाला था, फिर भी आप देख लीजिए एक बार, 8 12 का एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, 2 से आप डिवाइड कीजिएगा, 2 4 2 6, फिर 2 से कीजिएगा, 2 2 2 3, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 2 4 4 2 8 8 3 24, 24 एलसीएम आ जाता है। तो किसी के भी अपॉन में 24 नहीं है, तो आपको करना क्या है बेटा, चलिए मैं बताता हूँ। तो 3/8 लिखेंगे सबसे पहले, 3/8, ठीक है, तो अब आप देख लीजिए 3/8, तो हमारा एलसीएम कितना आया था 24 आया था, तो 8 से डिवाइड कीजिए 24 को, 8 3 ज़ा, तो यहाँ पर 3/3 कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9/24 आ गया, ठीक है। इसी तरह 7/12 का करेंगे, तो 7/12 लिखेंगे, 12 2 ज़ा होता है 24, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 14/24, तो हमारे पास इक्वलेंट फ्रैक्शन बन गए हैं 9/24 और 14/24, क्लियर। इस तरह से आपको करना है, तो ये सभी पार्ट कर लेंगे आप। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस इन द लोएस्ट यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में या मिक्स फ्रैक्शन में देना आपको आंसर। तो मैं एक पार्ट बता रहा हूँ, चलिए, तो यहाँ पर 18 और 6 का सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड करना है, 18 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे, आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। जब 18 एलसीएम आ गया तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आपने लिखा 16/18 प्लस और 1/6 है, तो 18 बनाना है, तो 18 बनेगा 6 3 ज़ा 18, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा 11/18 प्लस 3/18, ठीक है। अब आपको पहले से पता है कि डिनोमिनेटर लिख के आप ऊपर नीचे ऊपर आप क्या कीजिए, प्रोसेस कर दीजिए प्लस का, तो 11 + 3 कितने होते हैं, 11 + 3 लिख देते हैं, और ये हो जाते हैं आपका 14/18। इसको आप क्या करेंगे, कट कर लीजिए, किस चीज़ से कट होगा ये, 2 से, 2 7 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 7/9 आपका
आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए इसी तरह आप, मैं समझता हूँ सभी क्वेश्चन इजी हैं, ये आप कर लेंगे बेटा। ठीक है, कोई समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। 3 में भी सारे क्वेश्चन इजी हैं। एक पार्ट मैं आपको चलिए बता देता हूँ, यहाँ पर सी पार्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 15 और 10 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। 2 से चलिए डिवाइड करते हैं, 15 को ऐसे राइट करते हैं, 2 5 ज़ा हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं, 3 5 ज़ा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 5 से करते हैं, 1 1 हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 हमारे पास क्या आ चुका है, 30 आ गया हमारे पास एलसीएम। तो आप लिखेंगे बेटा एलसीएम, डायरेक्ट बता रहा हूँ, 30 लिख लीजिएगा। अब हमारे पास ये क्या है, 15, तो 15 से डिवाइड कीजिए इसको, कितना आया, 15 2 जा, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 को। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 7 मल्टीप्लाई 2 कर देना है, माइनस लगाइएगा, और 10 3 जा, तो 3 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा कर दीजिए ऊपर, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, अपॉन में 30 हो जाएगा। 14 माइनस 9 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 अपॉन 30 आ जाएगा। लोएस्ट फॉर्म के लिए 5 1 जा 5 6 जा, तो आपके पास 1 अपॉन 6 आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन के सभी पार्ट आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, 3 पार्ट दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक पार्ट मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको 8 8 4 5 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले 2 से कहेंगे 4 2 5 का ऐसे राइट कर देंगे, फिर 2 से करेंगे 2 1 5 करेंगे, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को राइट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को राइट करना है। राइट करने के बाद बेटा आपको अपॉन में क्या लिख देना है, 40 लिख देना है, कितना लिख देना है, 40। तो 8 से, अब हमारा सबसे पहला डिनोमिनेटर है 8 8 5 ज़ा, तो 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25। अब डायरेक्ट करना सीख लीजिएगा, प्लस लगा दिया हमने साइन, 4 10 ज़ा, तो 10 के ऊपर मल्टीप्लाई, 10 1 ज़ा 10। उसके बाद माइनस लगाइए, जो साइन लगे ऊपर वही लगाइएगा, 5 8 ज़ा, तो 8 3 ज़ा 24, ये हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है, 25 प्लस 10 कितना हो, 35। 35 में से 24 को ऐड करेंगे, वो सॉरी माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 बच जाएगा, 11 अपॉन 40, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इसी तरह से आपको इसके सारे पार्ट कर लेने हैं, कोई भी पार्ट हार्ड नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे। देखो सी पार्ट में आपको 4 टर्म्स दे रखी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 5 6 3 7 का एलसीएम फाइंड कीजिए, और फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जितना भी आए ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, और प्लस या माइनस की प्रोसेस कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा 5 का ए पार्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे अपॉन में 1 लिख लीजिएगा, ये 5 आ जाएगा, तो 1 5 ज़ा 5 होते हैं, 5 से ऊपर मिल पाएगी, 5 2 ज़ा 10, माइनस लगाइएगा, 5 1 ज़ा 5, 1 बार गया, 1 3 ज़ा 3, तो 10 माइनस 3 कितने हो जाते हैं, 7 7 अपॉन 5। और इसको कैसे लिखेंगे आप, 1 2 अपॉन 5, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 और रिमाइंडर 2 बचता है, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरह से इसके सारे पार्ट आप कर लेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के हिंट और सॉल्यूशन बता दिए हैं। ये कंप्लीट एक्सरसाइज बेटा आपको करनी है, तो नीट एंड क्लीन इसको आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।